आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैक टू बैक विनिंग मैच प्रेडिक्शन के साथ। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एशिया कप 2022 के 8वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये मुकाबला 4 सितंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7:30 से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया की टीम 8 मुकाबलों में जीती है, वहीं 2 मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम ने जीत हासिल की है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल या ऋषभ पंत में से कोई एक, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षदीप सिंह, आवेश खान और युजवेंद्र चहल। इंडिया की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। तो हमें पाकिस्तान की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, खुशदिल शाह, इख्तियार अहमद, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हरीश रऊफ, नसीम शाह और शहनवाज धनी। दोनों ही टीमों का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में पाकिस्तान का पलड़ा काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, वहीं अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं, वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में इंडिया की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इन दोनों के बीच हमें 180 से 90 के बीच का स्कोर देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। यहाँ की पिच आमतौर पर बॉलिंग फ्रेंडली रहती है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच नजर आई है। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 138 रन है, वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 130 रन है। यहाँ का हाइएस्ट टोटल 211 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 55 है। यहाँ का हाइएस्ट ईयर अभी तक 184 है, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 135 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के पास जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस और मैच से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है टीम इंडिया। हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञानकोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।